अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मौली, किसी ने जबरदस्ती की तुम्हारे साथ? तुम्हें डराया किसी ने? मौली बोलो। मौली, ऐसे किसी के डर की वजह से ऐसे फैसले नहीं ले सकती तुम। कहीं तुम ये मुझे बचाने के लिए नहीं कर रही हो? मौली, मेरी चिंता मत करो। ये लोग मुझे और तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मौली बोलो, चुप्पी गुड़िया बन के क्यों खड़ी हो? मौली एक बार कह दो कि तुम यहां अपनी मर्जी से नहीं आई हो, इनकी धमकियों की वजह से आई हो। मौली बताओ, ये शादी के लिए तुम तैयार क्यों हुई? यान, तुम बचपन से मौली को इतनी अच्छी तरह से जानते हो, इतनी छोटी सी बात नहीं समझ पाए कि पापा की बेटी बनने के लिए मौली कुछ भी कर सकती है? तुमसे शादी भी? बेहान, मौली ने अपना फैसला कर लिया है, अब तुम्हें अपना फैसला करना है। बेहान, हस्ताक्षर करो, वरना दीपक के साथ अच्छा नहीं होगा। नहीं बड़े बाबूजी, मौली को जो करना है करे, लेकिन पिछले 18 साल से मौली मेरी दोस्त है, इसलिए मैं किसी भी कीमत पर अपनी दोस्ती की बलि चढ़ने नहीं दूंगा। अगर अभी किसी समय मंडप में नहीं बैठे तो मौली की डोली उठे या ना उठे, तुम्हारे भाई की अर्थी जरूर उठेगी। अरे, ये सुलक्षणा कहाँ मर गई? आई क्यों नहीं अभी तक ये शादी रोकने?
बयान हस्ताक्षर करो, वरना दीपक के साथ अच्छा नहीं होगा। वर वधु का गठबंधन कीजिए। अरे खोलो दरवाजा, खोलो, खोलो दरवाजा, दरवाजा खोलो। संभाला है ना, पापा की बेटी बनने का हर जतन कर रहे हैं। इसीलिए बोले ना, काशी के सभी भक्तों के सामने हम अपने पापा की कसम खाते हैं कि चाहे कुछ हो जाए, हम अपने पापा की बेटी बनकर ही रहेंगे। वर वधु फेरे के लिए खड़े हो जाइए। जानते हो ना, पापा की हर बात कितनी अहमियत रखती है हमारे लिए। जिंदगी में पहली बार पापा ने कुछ मांगा है हमसे। हमारे लिए शादी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर शादी करने से हम अपने पापा को पा सकते हैं, तो पापा जब जान जिससे कहेंगे हम उससे शादी कर लेंगे, कहेंगे हम उससे शादी कर लेंगे, कहेंगे हम उससे शादी कर लेंगे। अरे कैसे नहीं खुलेगा? मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष अरे खड़े तुम क्या हाथ में हाथ धरे? लड़के की जिंदगी बर्बाद हो रही है और तुम खड़े हुए हो? ठाकुर साहब, अरे जिंदगी भर आपकी गुलामी की है, अपने बच्चे की जिंदगी बर्बाद नहीं होने देंगे। वर वधु सिंदूर की रस्म पूरी करें।
भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बहु हमारे जिगर के टुकड़े का अमंगल की इस छाया के साथ गठबंधन नहीं हो सकता। ये जुलम हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस शादी को हम नहीं मानते। ये शादी झूठी है, जबरदस्ती कराई गई है। अरे उस दिन हम चुप रहे, आपके दरवाजे पर एक बिनती लेकर आए थे। लेकिन आज चुप नहीं रहेंगे क्योंकि आप हमारी चौखट लांग कर आई हैं। अग्नि को साक्षी मानकर इन्होंने साथ में ले लिए हैं। कानूनी कागज पर इन दोनों ने हस्ताक्षर किए हैं। संविधान के हिसाब से ये शादी वैध है। अब ये दोनों शादी के बंधन में बन चुके हैं, अब इनको कोई अलग नहीं कर सकता। बस कीजिए ठाकुर साहब। जिस शादी को मेरा मन नहीं मान रहा, उसे कोई मंत्र, कोई कागज, कोई कानून नहीं मनवा सकता। मेरे और मौली के बीच में कोई रिश्ता नहीं है, ना कभी था, ना अभी है और ना कभी भविष्य में होगा। शादी कोई संस्कार नहीं है, दो मन का मेल है। आपने और आपकी बेटी ने दीपक भैया के सर पे बंदूक रख के मुझसे जो आज करवाया है, आप दोनों मेरी नजर से गिर चुके हो। पिछले 18 सालों में मेरी मां ने मुझे 18,000 बार मना किया कि मौली से दूर रहना, लेकिन मुझे लगता था कि मैं मौली को जानता हूं। मैं गलत था ठाकुर साहब। एक औरत का तीर्य चरित्र कोई नहीं जान सकता।
ठाकुर साहब, आपको लगता है कि मेरे सर पे शादी का मोहर लगा के आप खुश रहेंगे? नहीं, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ है ये। मेरे सीने पे रखा वो पत्थर है जिसे अगर मैंने नहीं उतारा तो मैं चुल्लू भर पानी में डूब मरूंगा। अब आप चाहे इसे धर्म समझे या कानून, मैं इस शादी को नहीं मानता। आपको जो करना है कर लीजिए, ठाकुर साहब। मैंने आपको बड़े बाबूजी कहा था, भले ही मुझे जन्म बाबूजी ने दिया है, लेकिन आपकी वजह से मैंने एक सपना देखा था आईएएस बनने का। बिहान बिहान, तुम्हारी परीक्षा, हमें निकलना होगा बिहान, वरना टाइम से नहीं पहुंच पाएंगे। आज आपने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखा दिया, दुनिया में कोई चीज मुफ्त में नहीं मिलती। आपने अपनी बेटी की शादी नहीं करी मुझसे, अपने एहसानों की कीमत वसूली है। मैं आज ये प्रतिज्ञा लेता हूं कि जब तक आपकी पाई पाई ना चुका दूं, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ध्यान, ठाकुर साहब। अरे वाह, ऐसे कैसे जा सकते हो जबरदस्ती का? मौली से शादी की है तुमने, जब तक उसको विदा करा के नहीं ले जाओगे ये दहलीज नहीं लांग सकते तुम। अरे एक तो मांगलिक लड़की से शादी करवा दी, ऊपर से परीक्षा भी नहीं लेने दोगे? अरे ये तो यही चाहते हैं कि विहान की जिंदगी चौपट हो जाए। अरे करमचली, आंखें खोल के देख और कान खोल के सुन अपने बाप की बेइज्जती। जिन गांव वालों की नजर नहीं उठती थी तेरे बाप के सामने, आज वही उसी आवाज में बात कर रहे हैं। हमारे पापा को कुछ मत बोलिए। उनकी कोई गलती ना है, जो जो गलती है वो हमारी है। हमने कहा था पापा को हमारी शादी बिहार से करवा दे, मेरा खेल बिगाड़ कर न जाने अब नया कौन सा खेल खेल रही है ये। बस अपने आंसू चमकाकर कहीं सबकी नजरों में अच्छी ना बन जाए। ठाकुर साहब, अगर आज यहाँ कोई सबसे छोटा आदमी है ना तो वो आप। यार, आप मौली की कीमत नहीं जान सके। झूठ बोला आपने, धोखा दिया उसे। इसलिए उसकी भी कोई गलती नहीं है। आप सब प्लीज उसे जाने दीजिए।
बिहार शादी की सजा तुम नहीं भुगतोगे, जो भी होगा वो हम देख लेंगे। यकीन सबसे अधिक जरूरी है तुम्हारा सपना पूरा होना, तुम्हारा कलेक्टर बनना। विदा होना है ना तो विदा हो जाओ, और मरना खपना है ना तो कहीं जाके मर खप जाओ। लेकिन याद रखना, तुम्हारी मेरे घर में कोई जगह नहीं, और मेरा बेटा तुम्हें कभी नहीं अपनाएगा, इस बात को गांठ बांध लेना। समझ में आया? तुम टुकुर टुकुर क्या देख रहे हो, चलो अपने साथ। सुलक्षणा, ठाकुर साहब, अगर आज यहां कोई सबसे छोटा आदमी है ना तो वो आप। यार, आप मौली की कीमत नहीं जान सके। 15 मिनट पहले ही एग्जाम शुरू हो गया है, अब तुम एग्जाम नहीं दे सकते। मौली की विदाई होगी और हमारे घर में होगी। ठाकुर साहब, अगर आज यहां कोई सबसे छोटा आदमी है ना तो वो आप। यार, आप मौली की कीमत नहीं जान सके। 15 मिनट पहले ही एग्जाम शुरू हो गया है, अब तुम एग्जाम नहीं दे सकते। मौली की विदाई होगी और हमारे घर में होगी।